हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप सर? ठीक हाल चाल? तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। तो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। आज का जो अपना लेक्चर का टॉपिक है और डिस्कशन का टॉपिक है वो है पावर सीरीज पे ही बेस्ड। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने सीरीज़ के बारे में बात करी और सीरीज़ क्या होती हैं, उनके कन्वर्जेंस के बारे में कैसे समझा जा सकता है, ये सब हमने सोचा समझा और इसके बारे में बात करी। अब हमने उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं। और जब सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, और हमेशा कन्वर्जेंट वाले कुछ एग्जांपल देखे जैसे कि टेलर सीरीज और लर्निंग सीरीज, तो कन्वर्जेंट सीरीज का ही हमने एक टाइप देख लिया। फिर पावर सीरीज के बारे में और अच्छे से बात करी, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखा पिछली वीडियो में, काफ़ी कुछ देखा। आज हम बात करने वाले हैं कि पावर सीरीज को हम, अगर वो कॉन्टिन्यूस होते हैं पहली बात तो, और कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो उसे हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, उसे हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो आज हम उसके डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करेंगे। सीरीज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक नया कंसेप्ट होगा आपके लिए, जो आपने शायद री एनालिसिस में ना पढ़ा हो, तो इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड अपना काम आसान होने वाला है। ठीक है, चलते हैं आज के काम पर। बिफोर वी मूव अहेड, गिव मी अ थम्स अप और वेरिफिकेशन इन द लाइव चैट कि आप सबको मैं अच्छे से दिख रही हूँ, अच्छे से लाई हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एंड देन वी कॉन्टिन्यू। तो लेट अस स्टार्ट विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है शिखा, है शिखा अग्रवाल, और मुझे हायर मैथमेटिक्स कैटेगरी में पढ़ाते हुए 5 से साल हो गए हैं, जिसमें हमने मिलके सीएसएनएट की, आईटी जैम, गेट की, एनबीएचएम की, टिफर, पीयू सेट, सीयू सेट सब की तैयारी की है और कर रहे हैं। तो इस छोटे से एक्सपीरियंस से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, और एक बेस्ट चीज़ सीखी है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्वेश्चन सॉल्विंग से डरना बंद करने का, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उस एग्जाम के बहुत सारे पेपर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उस सब्जेक्ट से दोस्ती करो। दोस्ती जैसे हम कर लेते हैं तो मालूम है फिर दोस्ती के ऊपर तो कुछ नहीं होता। अगर आपने दोस्ती कर ली है तो सब बढ़िया है, फिर तो आराम से पेपर क्लियर होगा। अब जिस सब्जेक्ट से दोस्ती कर ली उसके क्वेश्चन भी बनेंगे। तो बस एक सिंपल सी ट्रिक है, मेरे बारे में इतना जानना काफ़ी है, और मेरी टीचिंग पैटर्न के बारे में बाकी आप मेरे साथ पढ़कर जान जाएंगे। अनअकैडमी पर अब जानते हैं, अनअकैडमी से कनेक्ट होने के दो तरीके हैं। एक तो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल्स, जैसे कि आप एक चैनल पे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, और भी तरीके हैं। दूसरे तरीके क्या हैं कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं वाया अनअकैडमी की वेबसाइट और अनअकैडमीज लर्नर्स ऐप। उस पर आपको दो टाइप की क्लासेस मिल जाएंगी, स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री क्लासेस होती हैं, और पेड टाइप की क्लासेस जो कि दो टाइप के सब्सक्रिप्शन लेने से मिलती हैं, प्लस और आइकनिक। आप ये दोनों टाइप की क्लासेस देख सकते हैं। अब इन दोनों में से कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो बाकी प्लेटफॉर्म से इसको यूनिक और स्पेशल बनाते हैं, तो उनको जल्दी से देखते हैं, सो दैट यू कम टू नो लिटल अबाउट अन अकेडमी। अगर आप एक स्पेशल क्लास या फ्री क्लास देख रहे हैं अन अकेडमी पर, तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि सेशन ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। कैसे? ज़्यादा लाइव चैट का ऑप्शन, पोल का ऑप्शन, अपने डाउट्स को शेयर करने का ऑप्शन वाया पिक्चर्स, रेज अ हैंड का ऑप्शन, नोटिफिकेशन का, लेक्चर नोट्स का, एंड द ईज ऑफ वॉचिंग इट एनी वेयर एनी टाइम। अब ये सब फ्री क्लास में था, तो ऑफ कोर्स पेड में तो होगा ही, पर पेड में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। तो अगर आप लेते हैं प्लस टाइप का सब्सक्रिप्शन, तो इनर वाइट सर्कल के बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेस, क्विजेस एंड टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सब चीज़ों का अनलिमिटेड एक्सेस। और अगर आप लेते हैं आइकनिक टाइप का सब्सक्रिप्शन, तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो इस पेज पर लिखे हैं, इंक्लूडिंग इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल, पर्सनल गाइडेंस भी, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, वर्कशॉप्स एंड टेस्ट एनालिसिस। अब अगर आप कोई भी पेड कोर्स अनअकैडमी पे खरीदना चाहते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल साइंस कैटेगरी में हो या ना हो, तब आप एक कोड यूज़ कर सकते हैं, शिका10। इस कोड को रेफरल कोड कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, कम से कम 10%, उससे ज़्यादा कितना भी, और ये टाइम बाउंड भी नहीं है, ये डिस्काउंट हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, अगर आप इनमें से किसी का पार्ट होना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अब अनअकैडमी पे अगर आपको कोर्स खरीदना है, तो अनअकैडमी पे लॉगिन करें, क्रेडेंशियल्स डालें, साइन अप करें, कैटेगरी सेलेक्ट करें, और फिर अपना प्लान सेलेक्ट करें जो आपको सूट करता है। एज यू सेलेक्ट द प्लान, आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। प्राइस डिस्क्रिप्शन पेज आएगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे। टोटल अगर ड्यूरेशन 24 मंथ्स की लेंगे तो पर मंथ प्राइस इतना, एंड सो ऑन। इस तरीके से यह आ गया आइकनिक के प्राइजेस। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्लस के प्राइस दिखाई देंगे। हमने स्क्रॉल किया, आपके पास आ गए प्लस के प्राइजेस। अब इन प्लस के प्राइजेस में भी सेम बात है, टोटल ड्यूरेशन, पर मंथ प्राइस। आप कोई एक प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, सपोज आपने ये प्लान सेलेक्ट करा तो नीचे आपके पास गिफ्ट बॉक्स आएगा, जहाँ पे आप यही कोड डाल के मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। जैसे आप ये कोड यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे छोटू सा अप्लाई का बटन आएगा, जिस पर क्लिक करते ही प्रोसीड टू पे क्लिक करें, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।
एंड सारे पेमेंट गेटवेज आपके पास अवेलेबल हैं, जिस भी ऑप्शन के थ्रू आप करना चाहते हैं करें, एंड देन यू गेट द सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, इंक्लूडिंग ऑल द बेनिफिट्स एंड एन एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ बक्स बाउंटी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को पेशेंटली सुनने के लिए धन्यवाद। अब चलते हैं अपने शेड्यूल पर। आप लोग को मैंने बताया था कि अब एग्ज़ाम की डेट आ गई है। कब है एग्ज़ाम? एग्ज़ाम है 29 जनवरी को 2022। तो पहला एग्ज़ाम अपना हो रहा है जल्दी ही। अब जब एग्ज़ाम की डेट आती है तो टाइम क्या हो जाता है? अपने कमर कसने का। तो स्केड्यूल अपन ने कहा था कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, ताकि अपन लोग ज़्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाएँ, और ऑफकोर्स थ्योरी नहीं छोड़ेंगे, वो भी साथ साथ में करते रहेंगे। तो अपन ने काफ़ी थ्योरी कम्प्लीट कर ली है, इसमें हम ग्रुप थ्योरी कम्प्लीट कर चुके हैं, रियल एनालिसिस कम्प्लीट कर चुके हैं स्पेशल क्लास में, अन अकेडमी में, और ग्रुप थ्योरी हमने करी है स्पेशल क्लासेस में, रियल एनालिसिस हमने कंप्लीट करी है पेड क्लासेस में। तो रियल हम कर चुके हैं पेड में, यानी कि प्लस में। तो दो कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, लीनियर अलजेब्रा एक बार हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी हम स्पेशल में कंप्लीट कर चुके हैं, लीनियर अलजेब्रा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी कंप्लीट कर चुके हैं प्लस क्लासेस में। तो ये सब लेक्चर्स वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ये हमने लाइव ही सारे खत्म करे हैं, पर एक बार दोबारा से हम स्टार्ट करें तो अपन ने दोबारा से दूसरी बार एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, और अपने रिंग थ्योरी स्टार्ट कर दिए दोबारा से लाइव, जो कि स्पेशल क्लासेस पे लाइव चल रहा है। तो फिलहाल अपना जो लाइव चल रहा है वो है रिंग थ्योरी, ये सब हटाए थे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो फिलहाल अपना रिंग थ्योरी चल रहा है लाइव एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, उसके आज भी दो लेक्चर्स थे और थर्ड लेक्चर हो चुका है, यानी कि अभी स्टार्ट ही हुआ, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और वेडनेसडे को इसके लेक्चर होंगे दो। ठीक है, फिक्स टाइमिंग। अब दूसरा लेक्चर लीनियर एलजेब्रा, दूसरा कोर्स अपना चल रहा है, हर सैटरडे संडे इसकी क्लास होती है 9 to 10 PM। वे स्केड्यूल इस वाले में चेंज नहीं आया है, पर अब नई बात क्या होगी, वीकेंड पर एक्स्ट्रा काम होगा, बताते हैं क्या। तीसरा कोर्स अपना चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लाइव, इसकी क्लासेस 4 दिन होती थी, अभी भी 4 दिन ही होंगी 9 to 10 PM इसी यूट्यूब चैनल पर जिसपे आप देख रहे हैं। अब जो चौथी बात हमने स्टार्ट करी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। तो अब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन या मॉक टेस्ट पेपर या मोटिवेशन लेक्चर्स, ये तीनों चीज़ें रेगुलरली हुआ करेंगी फ्राइडे सैटरडे संडे को। ठीक है, जैसे कि आज अपना एक एक्स्ट्रा लेक्चर है जो 10 o'clock स्टार्ट होगा, 10 to 11, 11 नहीं थोड़ी छोटा, पर 10 o'clock स्टार्ट हो जाएगा अपना लेक्चर। तो एक्स्ट्रा लेक्चर्स हुआ करेंगे या तो 9 to 10 ही हुआ करेंगे, या टाइमिंग इसकी 8 to 9 भी हो सकती है, या फिर इसकी टाइमिंग 10 to 11 भी हो सकती है, मतलब कि इसी टाइम के आसपास, इसी की डोमेन में। ठीक है ना, तो 10 भी हो सकती है, इसी के आसपास इसकी टाइमिंग हुआ करेंगे। ठीक है, एंड इसमें हम हर एक्सटेंडेड वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन इकट्ठे सॉल्व करेंगे, और कभी कभी मोटिवेशन लेक्चर भी रखेंगे, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की होती जाए पेपर पास में आके, तो तैयारी को एकदम कस लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिवाइज शेड्यूल है। ठीक है, सबको सही लग रहा है? सही है। इसमें आपने कहा था हम थ्योरी को बंद मत करना, तो थ्योरी हमने बंद नहीं करी है, पर साथ में हमने किसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को एडजस्ट कर लिया है। तो इस नोटिफिकेशन के तहत इन चेंजेस किए गए हैं स्केड्यूल में, कि नोटिफिकेशन आ चुकी है, ये ऐसा वाला अपना पेपर होने की इच्छा रखता है। ठीक है, सब बढ़िया, चलते हैं आगे। तो कुछ बुक्स हैं आपको जो मैंने बता रखी हैं, अपना आज का कौन सा चल रहा है अभी ये टॉपिक, मैं भूल जाती हूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आपको दो बुक्स रेफर करने को कही हुई हैं, ऐसे तीसरी भी ऑप्शन है। हम फिलहाल ब्राउन एंड चर्चिल सर को रेफर कर रहे हैं, और अपना सारा डिस्कशन इसी पर बेस्ड है। तो चलते हैं अपने डिस्कशन पर। तो क्या करना है हमने आज, क्या पढ़ना है हमने? पावर सीरीज के बारे में पढ़ना है। पावर सीरीज के बारे में हम पहले से ही पढ़ रहे हैं, आज हमने पावर सीरीज को ही कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ना है, डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ना है, और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने पावर सीरीज़ को इस बारे में सोचा नहीं होता, कि सीरीज़ भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की तरह हम सोचेंगे कभी, या फिर इसका डिफरेंशिएशन भी कभी हम सोचेंगे, या इंटीग्रेशन। तो ये न्यू है, डिफरेंट है, और ये हमारा काम आसान करेगी, बहुत आसान करेगी। ठीक है, अच्छी बात है। तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैथमेटिकल व्यू, आपका नाम क्या है? नुजरत, आपको भी गुड इवनिंग। स्मिथ, गुड इवनिंग, नमस्कार। सही है सब? ओके, तो पावर सीरीज़ को जानते हैं आप सब। दोबारा मैं जल्दी से मेरे को याद दिला दी थी। तो कुछ इस टाइप की सीरीज़ अगर अपने पास हो, ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेस पर एन, एन गोइंग फ्रॉम 0 to infinity या 1 से infinity, तो उसको हम क्या कहते हैं? पावर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? पावर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहाँ पे अपना एन जो है वो भी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हों,
और जेड भी वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हो, और जेड नॉट फिक्स्ड हो और कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आ रहा हो। इस पावर सीरीज के सेंटर को हम जेड नॉट कह देते हैं, तो जेड नॉट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ पावर सीरीज। और जो मैक्सिमम रेडियस का रीजन है जिसमें पावर सीरीज कन्वर्ज करती है उसे कहते हैं आर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसको जल्दी से रिकॉल कर लें एक ही स्लाइड में, ताकि हम आगे जो आज चलें तो वहाँ पे कहीं पे अटके ना। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की हेल्प से हम निकाल सकते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, वो क्या होता है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर, ये अपना होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब लेस देन तो पक्का ये वाली बात सही होती है, इसमें इक्वल टू भी इंक्लूड होना है नहीं, वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये मैक्सिमम वो रीजन होता है जिसमें पावर सीरीज कन्वर्ज करती है, ये रेडियस। एंड फाइनली जब हमें मालूम चलता है कि चीज़ में कन्वर्ज करती है, तो पावर सीरीज कन्वर्ज कर जाती है एक फंक्शन पे इन इट्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एफ जेड। हमेशा पावर सीरीज कन्वर्ज करे जरूरी नहीं है, पर अपने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में पावर सीरीज हमेशा कन्वर्ज कर जाती है इस रीजन एफ जेड फंक्शन पे। ठीक है, यहाँ तक सब अच्छा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल देख चुके हैं। मैं बहुत अच्छी न्यू न्यूज़, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो चलते हैं आज क्वांटिटी पे, क्वांटिटी ऑफ द सम ऑफ पावर सीरीज। तो इसे कहते हैं पावर सीरीज, इसको सम ऑफ पावर सीरीज भी कह सकते हैं। इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, अगर हम इसको फंक्शन की तरह सोचे तो ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कैसे, इस फंक्शन का नाम दे दो एस जेड। अभी फंक्शन है कि नहीं, हाँ, जेड की वैल्यू चेंज करो, वेरिएबल है ना। तो अगर मैंने जेड की वैल्यू 1 पुट करी तो एक फंक्शन, जेड की वैल्यू 2 पुट करी तो अलग फंक्शन, जेड की वैल्यू 1 + i पुट करी तो अलग फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग है ये फंक्शन, फंक्शन बन गया फंक्शन इन जेड, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। वी रोवर, उनका पूछना आज अलग लेक्चर था, अनाउंसमेंट ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल अलग लेक्चर था, वो अभी भी है, कैंसिल नहीं हुआ है। वो 8 to 9 था, उसे रीशेड्यूल कर गया 10 to 11 ड्यू टू सम रीजंस, तो वो रीशेड्यूल कर लिया गया, वो लेक्चर है, लेक्चर कैंसिल नहीं है। आपको बोला है ना, अब से हर फ्राइडे सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे, या तो उसमें मोटिवेशन होगा, या आपको कुछ एग्जाम के बारे में बताया जाएगा, कुछ टिप्स वगैरह, या फिर जैसे आज हम कर रहे हैं अनाउंसमेंट है, और साथ में बिग हम बुक्स और सोर्सेज की बात करेंगे। तो ऐसे करके हर फ्राइडे सैटरडे संडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स या फिर करने की स्ट्रैटेजी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर होगा। ठीक है, ओके, तो चलते हैं वापस क्वांटिटी पे बात कर रहे थे। तो इसको पहले तो फंक्शन की तरह समझते हैं, कोई पावर सीरीज का एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से और बेहतर समझ में आएगा कि फंक्शन कैसे है। जैसे कि कोई दो, कोई भी एग्जाम्पल ऑफ पावर सीरीज अगर हम ऐसे ले लें, जेड रेस पर एन अपॉन एन स्क्वायर, तो पावर सीरीज है ये, एग्जाम्पल हमने कल भी देखा था। 1 से इन्फिनिटी कर देते हैं, 0 से तो डिनोमिनेटर में दिक्कत आएगी, तो जेड गोइंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी पावर सीरीज है। अब इसको फंक्शन की तरह सोचो, सीरीज तो है ही, इसको फंक्शन की तरह सोचो। तो अगर मैं बोलूं कि एस ऑफ 1 बताओ तो क्या हो जाएगा ये, तो एक सीरीज बन जाएगी 1 रेस पर n अपॉन n स्क्वायर, तो बेसिकली बन जाएगी समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर। तो इसकी एक वैल्यू आ गई। अब अगर ये कन्वर्ज कर जाती तो इसकी कोई फाइनेट वैल्यू आ जाएगी, अगर कन्वर्ज नहीं करती तो इन्फिनिटी आ जाएगा, पर फंक्शन तो बन गया ना। यहाँ पे एस 1 एक वैल्यू आ गई, तो 1 पे एक वैल्यू दे रहा है, एस 1 + i बोलूँ तो एक वैल्यू दे रहा है, वो क्या आ जाएगा, समेशन 1 + i रेज टू द पावर n अपॉन एन स्क्वेयर, एन गोइंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। यहाँ पे मॉडुलस लगाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, एंड सो ऑन, या ना भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा, तो जैसे मर्जी करते जाओ। समझ में आ रही है आपको बात। तो इस तरीके से फंक्शन बन गया, जेड की वैल्यू हम चेंज करें तो अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली एस इज अ मैप फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर हम इसे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे भी फिक्स कर सकते हैं। और वो एस जेड कैसे डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज अ पावर सीरीज। तो इसमें जेड की वैल्यू चेंज करते रहोगे, अलग अलग वैल्यूज की आती रहेगी। सही है, वेरी गुड इवनिंग सूरज, कैसे हैं आप। तो इसको आप फंक्शन की तरह सोचो, तो जब हमने इसको फंक्शन की तरह सोचा तो जैसे ही हमने इसको फंक्शन की तरह सोचा, फंक्शन की तरह सोचने से अब हम इसकी सारी फंक्शन की प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं। तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम देख सकते हैं कि है या नहीं, तो यहाँ पे हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अब जरा मुझे जल्दी से बताओ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन याद है। सो अब फंक्शन जल्दी बताओ कॉन्टिन्यूस कब होता है, हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ लिया, रियल में भी पढ़ लिया, पर भगवान की दया से आपको अगर रियल की याद है तो वो बता दो, कॉम्प्लेक्स की याद है वो बता दो, कोई चक्कर नहीं।
फंक्शन एफ फ्रॉम सी टू सी इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस, कब कहते हैं इसको कॉन्टिन्यूस जरा बता दीजिए, बताओ इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस व्हेन, एक सिंपल सी कंडीशन होल्ड कर जाए, कौन सी कंडीशन है? तो अगर कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन पता होगी तभी हम पावर सीरीज कॉन्टिनेंस है या नहीं देख पाएंगे, तो देखने की कोशिश करते हैं। तो बताओ फंक्शन को कब कॉन्टिनेंस कहा जाता है? हाँ जी आने दो जवाब। कब कहते हैं? जेड तो पहले ही से वेरिएबल था, इसमें अलग क्या है? अलग क्या है? अलग तो कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काली काली एवरीथिंग इज लाइक रियल एनालिसिस, अलग क्या है इसमें? रियल में भी तो वेरिएबल ही पढ़ते हैं, तो फिर आप कॉम्प्लेक्स क्यों पढ़ रहे हो? अलग तो कुछ नहीं है, देखने का नजरिया बदला है और क्या है? हम ऑलरेडी पावर सीरीज पढ़ चुके हैं, अब हम इसको फंक्शन कह रहे हैं। पहले आपने पावर सीरीज को फंक्शन कहा था क्या? नहीं, पहले हमने उसे सीरीज की तरह पढ़ा था, अब हम सीरीज को फंक्शन बना रहे हैं। सीरीज अलग चीज़ होती है, फंक्शन अलग चीज़ है, हम सीरीज को भी फंक्शन कह रहे हैं। वो पहले से हम जो सीरीज पावर सीरीज पढ़ रहे हैं, सीरीज ऑफ फंक्शन, अब सीरीज ऑफ फंक्शन को दोबारा से एक फंक्शन का नाम दे रहे हैं, तो देखने का नजरिया बदल रहे हैं, उसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं इसलिए कि हम लाइफ को आसानी से देख पाएं, और मैथमेटिक्स में भी अलग अलग थ्योरम इसलिए पढ़ते हैं कि मैथ्स को समझते समझते भी हम मैथ्स के कंसेप्ट को एक दूसरे से रिलेट करके आसानी से देख पाएं। तो पहले हमने वेक्टर स्पेसेस में पढ़ा था, एक चीज़ होती है टपल, ये वाले a1 a2 an, तो हमने बाद में कहा था इस टपल को आप पॉलीनोमियल से भी रिलेट कर सकते हो, दिस इज सेम एज a1x a2x² एंड सो ऑन, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं, हमने बाद में पढ़ा है, याद है लीनियर में पढ़ा हमने, आगे और भी पढ़ोगे तो आप देखोगे दोनों में फर्क क्या है, दोनों में ही ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे a1 a2 an आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ये वेरिएबल तो ऐसे ही साथ में जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा कि टपल को वी कैन थिंक ऑफ एज अ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल इज अ फंक्शन, तो हमने क्या देखा फर्क क्या है इसमें, है तो वेरिएबल ही, तो अपन ने देखा कि हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, रिलेट करें हम चीज़ों को आपस में। तो फंक्शन एफ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेट टू बी कॉन्टिन्यूस, अब कॉन्टिन्यूटी का आंसर बताओ, भूल गए? व्हेन, कब कहते हैं? जब लिमिट, तो कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट डिफाइन कर दो या एट अ सेट भी कर सकते हैं, तो एट जेड नॉट कब कहेंगे हम उसे? व्हेन लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट, ठीक है? अब आगे इसी तरीके से हम कॉन्टिन्यूटी डेटा पॉइंट को कॉन्टिन्यूटी डेटा सेट पे एक्सटेंड करके, और फंक्शन एफ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर उसके किसी सबसेट से इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ सेट, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट थी, कॉन्टिन्यूस एट अ सेट ए विच इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉन्टिन्यूटी एट ए कब कहेंगे? व्हेन, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए सारे ही सेट के एलिमेंट्स के लिए, व्हेन लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट फॉर ऑल जेड नॉट कमिंग फ्रॉम ए, तो जब सारे पॉइंट्स के लिए ही बात सेटिस्फाई हो जाए कि ऐसा हो रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि हाँ पूरे सेट पे ही कॉन्टिन्यूस है, ये बेसिक डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस से। इस डेफिनेशन से हमने बहुत इक्विवेलेंट रिजल्ट्स निकाले थे, और आप कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए कोई भी इक्विवेलेंट रिजल्ट यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सूरज, आपने बिल्कुल सही बोला, हम बोला भी ले सकते हैं कि ओपन, जैसे कि इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन, अगर ये फंक्शन ऐसा सेटिस्फाई करे तो भी ठीक है, इनवर्स इमेज ऑफ अ क्लोज सेट इज क्लोज वो भी ठीक है, वो सब इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, पर हम बेसिक से ही प्रूफ करेंगे। प्रूफ में ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं? बेसिक वाली, आप किसी से भी करो आंसर वही आएगा और बिल्कुल सही है, अप्रोच में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है? इसी चीज को लिखने का एक और तरीका होता है, क्या तरीका होता है? एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, गुड इवनिंग निशी, क्या आ जाए? लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जेड माइनस जेड नॉट लेस देन सम डेल्टा, ठीक है? यहाँ पे भी ऐसे ही कह सकते हैं, सेम कंडीशन, देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन, तो हर एप्सिलॉन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता जाए? एक डेल्टा मिलता जाए, सच दैट इस डेल्टा के नेबरहुड में जब भी ऐसे जेड लाई करता है तो एफ जेड भी एप्सिलॉन के इस तरीके से नेबरहुड में लाई कर जाए, एफ जेड के एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई कर जाए। तो आप या तो ये प्रूव कर दो या ये दिखा दो, और हम सेट पे ऐसे दिखा सकते हैं फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, हम कह देंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन, याद है ऐसे ही करते थे चेक।
अच्छे से याद है ना, भूले तो नहीं हूँ। अब उसे देखते हमें पावर सीरीज को चेक करना है, तो हमें क्या शो करना है? अपना काम रह गया शो करना। अगर ये कोई फंक्शन है तो हमें क्या शो करना है कि एस ऑफ जेड माइनस एस ऑफ, यहाँ पे जेड नॉट नहीं लेंगे क्योंकि जेड नॉट तो सेंटर है, तो कोई और, जेड वन लेस देन एप्सिलॉन आ जाए व्हेन एवर जेड माइनस जेड वन इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो हमें मालूम है कि पावर सीरीज, अब ये हमें प्रूफ करना है। अब जरा याद करो, पावर सीरीज कन्वर्ज करती है, कहाँ पे कन्वर्ज करती है? अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में आप कोई पॉइंट उठाओगे तो उस पर वो ऑब्वियसली क्वांटिटी की कंडीशन शो करेगी क्योंकि उस पर कन्वर्ज करती है। ये क्या है? पावर सीरीज का सम है बेसिकली। आप देखो इस फंक्शन को, तो ये क्या है? सम नहीं है, सम फंक्शन नहीं है। याद है सीरीज में हमने सम फंक्शन पढ़ा था? इसी दिन के लिए मैंने आपको सम फंक्शन के नोटेशन सिखाए थे। याद करो, मैंने आपको एक नोटेशन सिखाया था एस जेड, एक नोटेशन सिखाया था रिमाइंडर जेड, और एक सिखाया था एस एन जेड। याद है सारे नोटेशंस? इसीलिए सिखाए गए थे वो। तो एस जेड क्या था? पूरे सीरीज के सम को हम एस जेड डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर चाहे पावर सीरीज हो चाहे कोई और सीरीज हो, उसके पूरे सम को हमने एस जेड से डिनोट किया था। याद आ गया? और हमने कहा था कि एस एन जेड क्या, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम है ना? तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम ऐसी बनेंगी एस एन, सच दैट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स कैसे दिखाई देंगे? इस तरीके से, जो समय वो कहाँ तक जाएगा? किसी एन नेचुरल नंबर तक जाएगा। तो ए के जेड माइनस जेड नॉट रेस टू द पावर के, ये हम एन तक सम ले रहे हैं। एंड रो एन जेड क्या होता है? वो एस जेड माइनस एस एन जेड होता है। तो ये दोबारा से एन पे डिपेंड करने वाली एक सीक्वेंस बन गई। सम से सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम कितनी दूर है? ये वाली सीक्वेंस है ना। सीरीज सेट टू बी कन्वर्जेंट अगर रो एन जेड क्या अप्रोच कर जाए जीरो पे। याद है ये बात हमने पढ़ी थी एक दो वीडियो पहले ही पढ़ी थी। तो सीरीज इज कन्वर्जेंट इन सम सेट ए। तो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है किसी सेट में तो वहां पर देन इन दैट सेट, पक्की बात है। तो वहां पे रो एन जेड कहाँ पे अप्रोच करेगा? जीरो पर। अच्छा, कोई चीज जीरो पे अप्रोच कर रही है, यानी कि ये क्या है? रो एन जेड की वैल्यू पुट करो। इसका मतलब है एस जेड माइनस एस एन जेड अप्रोच करेगा जीरो पर। कोई चीज जीरो पे अप्रोच करिए, उसकी मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है ना। मॉडुलस करके क्या आ जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है क्या? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करो तो भी रियल नंबर आ जाता है। कैसा रियल नंबर? पॉजिटिव या फिर जीरो, यानी कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ जाता है। तो अगर कोई नॉन नेगेटिव वैल्यू जीरो पे अप्रोच करिए, इसका मतलब क्या है कि हम उसको ऐसे सोच सकते हैं दैट एस जेड माइनस एस एन जेड इज लेस देन एप्सिलॉन है ना। पक्की बात है, जब जब हमें सेट में व्हेन एवर जेड बिलोंग्स टू ए, जब जब हमें सेट में है ना। तो यानी कि ये सम छोटा होता जा रहा है, जीरो के पास आता जा रहा है। तो इस कंडीशन से डायरेक्टली हमें एक कंडीशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिलेगी क्वांटिटी वाली। अब ध्यान दो, हमने कल पढ़ा था कि अगर हम कोई पॉइंट उठा ले इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में, हमने कहा था कि पावर सीरीज कन्वर्ज कर जाती है इस पॉइंट पे। देखो इस तरीके से, अगर पावर सीरीज का सेंटर जेड नॉट है और एक पॉइंट मिल जाए हमें जेड वन जिस पे पावर सीरीज कन्वर्ज करती है, तो हम एक सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बना सकते हैं। वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा बना सकते हैं, इसके हर पॉइंट के अंदर पावर सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। अगर हर पॉइंट में पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी, यानी कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब क्या है? जो अभी हमने आर्ग्यूमेंट देखा, तो अपना जो रो एन जेड फंक्शन है वो कहाँ पे अप्रोच करता जाएगा? जीरो। जिससे हम कह सकते हैं कि ये भी कहाँ पे जाएगा? जीरो पे जाएगा, क्योंकि एस जेड वन भी इसके अंदर से कोई वैल्यू है ना। तो ये भी जीरो पे जाती जाएगी जब जब हम इस सेट में रहेंगे। अपना गिवन सेट क्या? ये वाला सेट, ये जो ये सेट है, ये वाला सेट है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस वाला। इसको सेट ए नाम दे दो तो अपने पास ये डायरेक्टली कंक्लूड हो जाएगा। तो आप सहमत है इस बात से कि अपना जो पावर सीरीज है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन जैसा काम करिए? ठीक है, कोई दिक्कत? पक्की बात? ओके, तो पावर सीरीज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चले आगे इंटरेस्टिंग टर्म पे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे। तो अब क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हमने क्यों प्रूव करा? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी और इंटीग्रेशन के लिए भी नेसेसरी है कि फंक्शन कैसा है वो कॉन्टिन्यूस हो। अब हमने देख लिया है कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। अब क्योंकि ये पावर सीरीज है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सो वी कैन डिफाइन इट्स इंटीग्रेशन
एंड इट्स डिफरेंशिएशन, और वो है वो बहुत कमाल की चीज़। इसके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से हम बहुत कमाल की बातें कर सकते हैं, देखना भी करेंगे कमाल की बातें। तो मैं आपको बताती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आंसर करने में हेल्प करेगा। तो सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ ऐसा, कैसा क्वेश्चन पूछूँ मैं आपसे पूछूँ कि आपसे बहुत सारे एक्सपेंशन एक बारे में पूछ लूँ, ठीक है ना। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको बताएगा नहीं कि आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यूज करना, आपको यूज करना होगा, ठीक है। चार सीरीज एक्सपेंशन करके लिखे हैं आपको, यहाँ पे मैं एक बार दे दूँ कि 1/z का एक्सपेंशन निकालो, यहाँ पे एक एक्सपेंशन लिखे आपको बता रही हूँ 1/z² का निकालो, यहाँ पे एक्सपेंशन लिखे आपको बोल रही हूँ 1/z³ का निकालो, यहाँ पे लिखे आपको बोल रही हूँ 1/1-z का निकालो। तो आप कुछ पैटर्न नोट कर रहे हो, 1/z, 1/z², 1/z³, 1/1-z। क्या ये फंक्शन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है? अगर मैं 1/z का डेरिवेटिव करती हूँ तो क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ 1/z विद रिस्पेक्ट टू z, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे z नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, तो वो आ जाएगा 1-1/z², याद है ये बात? तो आप देख रहे हो 1/z² इसके डेरिवेटिव जैसा कुछ है, अगर बस नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा हम यहाँ पे लगा दें इस साइड, है ना। ऐसी 1/z³ भी इसके डेरिवेटिव जैसा नहीं है, जरा इसका डेरिवेटिव निकालो, d/dz ऑफ 1/z², तो क्या आ जाता है? वो -2/z³ आ जाता है, यही आता है, कोई दिक्कत इसमें? तो आप देख रहे हो ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है क्या? तो इसका डेरिवेटिव इससे रिलेटेड है। तो अगर हमें मालूम हो कि इसका डेरिवेटिव RHS का डेरिवेटिव करके RHS आ रहा है, तो क्या हम LHS का डेरिवेटिव भी करना सीख सकते हैं? हाँ, करना सीख सकते हैं। और वो सीख जाएं तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर हम सिर्फ एक पार्ट सॉल्व कर लें, बाकी पार्ट के आंसर हमें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो बार बार हमें लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, या फिर पावर सीरीज और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जन निकाल के पेपर में एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत इस बात में? सही है सब, पक्की बात है? तो इसलिए अपन इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए इसको पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स डायरेक्टली उस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, पर साथ में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से आता है जिसमें अपन क्या काम कर सके, एक बारी में आंसर दे सके। तो आपको क्वेश्चन भी दिखाया जाएगा, अभी टेंशन मत लो बिल्कुल। तो क्वेश्चन पे चलेंगे, तो पहले सीखते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन क्या है, ठीक है? ओके, तो पहले चलते हैं इंटीग्रेशन पे, बहुत मज़ेदार बात है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीरीज इज इंटीग्रेशन, अंदर घुसा दो तो टर्म बाय टर्म उसका इंटीग्रेशन कर दो और फिर उसकी दोबारा सीरीज बना दो। तो थ्योरम पढ़ते हैं, क्या कहती है थ्योरम। सो लेट सी डिनोट एनी कॉन्टूर इंटीरियर टू द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ये समझते हैं आप, एनी कॉन्टूर इंटीरियर टू द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। कॉन्टूर भूल तो नहीं गए क्योंकि बहुत टाइम पहले पढ़ा था। कॉन्टूर क्या होता है जल्दी से मुझे याद दिला दो जरा। अपने पास है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये अपने पास मान लेते हैं जेड नॉट, ये सेंटर है पावर सीरीज का, ये अपने पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी कि मैक्सिमम रेडियस का वो सर्कल जिसके अंदर पावर सीरीज कन्वर्ज करती है। मान लेते हैं आर रेडियस का, और जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू आर, ये अपने पास है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी कॉन्टूर ले लो। कॉन्टूर कैसे बनता था? पॉइंट वाइज डिफरेंशिएबल सिंपल या जॉर्डन आर्क्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर दें तो पीस वाइज डिफरेंशिएबल एक आर्क बन जाती है, उसे कॉन्टूर कहते थे, है ना। सही बात है, हमने कहा इसके अंदर एक कॉन्टूर ले लो, हमने एक सी कॉन्टूर ले लिया, कोई दिक्कत। कॉन्टूर है एक, क्लोज कॉन्टूर कहते हैं, जैसे क्लोज भी ले सकते हैं, कैसा भी कॉन्टूर ले सकते हैं, डिपेंड्स। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक स्लीक सी कॉन्टूर ले लिया अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर। ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है, इसके अंदर से हमने एक कॉन्टूर ले लिया, ठीक है। एंड लेट जी जेड बी एनी फंक्शन दैट इज कॉन्टिन्यूस ऑन सी, और इस सी कॉन्टूर पे कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमने जी जेड ले लिया, ठीक है ना। अब कॉन्टिन्यूस ऑन कॉन्टूर का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूस एट एक पॉइंट का मतलब आपने सीखा अभी, है ना, पहले से ही सीखा हुआ है। तो कॉन्टिन्यूस अगर एक पॉइंट पे मालूम है तो कॉन्टिन्यूस कॉन्टूर का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द आर्क,
बस उतना, यानी कि सारे पॉइंट्स के लिए वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट, ये सारे आपके पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई हो जाए। तो बात तो वही है, सेम कंडीशन पर सारे आपके पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई हो जाए। तो पहली कंडीशन में लेके चली, क्या लेके चला, सी ए कॉन्टूर ले लिया, कहाँ पे ले लिया, अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर, ठीक है ना। अगर ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है तो ये ग्रीन ग्रीन लाइन जो है इसको कह देते हैं सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि इसके अंदर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लाई कर रहा है, तो इसे कहते हैं सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। इसके अंदर हमने कॉन्टूर ले लिया, सी कॉन्टूर इसके अंदर बैठा है, ठीक है ना, और आर को कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ तक सब समझ में आ रहे ना, एक एक बात में बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ, इतनी डिटेल में अक्सर नहीं बताई जाती है ना, पर मैं बता रही हूँ ताकि कोई भी दिमाग स्किप ना करे, क्वेश्चन जब आए तो अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाए। तो ऐसा अगर है अपने पास, तो पहली कंडीशन हमने एक कॉन्टूर लिया इंटरमीडिएट टू सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, एक हमने फंक्शन ले लिया जो इस कॉन्टूर पे कॉन्टिन्यूस है। अब जो सीरीज बनती है बाय मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ द पावर सीरीज बाय जी जेड, यानी कि ये जो पावर सीरीज थी इसके हर टर्म को जी जेड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि दोनों साइड जी जेड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पावर सीरीज क्या बन जाएगी, एस ऑफ जेड जी जेड इज इक्वल टू क्या बन गई, सारे टर्म्स को जी जेड से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये बन गई जी ऑफ जेड समेशन एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेस पर एन। अब जी जेड को आप समेशन के बाहर भी लिख सकते हो और अंदर भी, क्यों, क्योंकि समेशन रन हो रहा है एन के ऊपर और जी जेड जो है वो एन पे डिपेंड नहीं करता, तो जो वेरिएबल ऑफ समेशन होता है अगर उससे फ्री हो जाए फंक्शन तो वो कांस्टेंट की तरह काम करता है, उसे समेशन के बाहर लिखो अंदर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे इसको आप ऐसे लिखो चाहे इसको आप ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, समेशन एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी जी ऑफ जेड अंदर लिख दो, साथ में ए एन भी बैठा है, साथ में जेड माइनस जेड नॉट रेस पर एन भी बैठा है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सही है सर। तो पहली कंडीशन कॉन्टूर ले लिया इंटीरियर टू द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, दूसरा हमने कोई फंक्शन ले लिया जो उस कॉन्टूर पे कॉन्टिन्यूस है, और फिर हमने सीरीज को जी जेड से मल्टीप्लाई कर दिया तीसरी बार, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ द पावर सीरीज बाय जी जेड, तो इंटीग्रेशन कैसा आ जाएगा, बस ये तीन चीज़ें आपने देखनी है, तो इंटीग्रेशन ऐसा दिखाई देगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी जेड एस जेड डी जेड इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है सेम एज इंटीग्रेशन अंदर वाले का कराओ, तो जहां पे जेड जेड वेरिएबल है सिर्फ उस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर लो और उसके बाद मतलब कि टर्म वाइज इंटीग्रेशन करते जाओ और फिर एन ए एन से मल्टीप्लाई करते जाओ और सम करते जाओ, तो पूरे सम को निकाल लो एक बारी, फिर जो सम आ रहा है उसका इंटीग्रेशन करो, इस सेम एज टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करते जाओ, ठीक है ना, और फिर जो आंसर आएगा उसको निकाल लो, ठीक, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या है, ऐसा है इसका मतलब, इसका मतलब है कि अगर आप के पास जी जेड कोई फंक्शन मिल गया है ना, तो जी जेड एस जेड का इंटीग्रेशन आपको निकालना है, इट इज़ सेम एज कि आप इंटीग्रेशन ले जाओ अंदर, जी जेड एस जेड कैसा है इसको लिखते हैं पहले, ये अपना इम्पोर्टेंट एक टर्म है, इसका मतलब है जी जेड एस जेड हमने भी लिखा था समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेस पर एन। अब देखो इसमें क्या है, इस इंटीग्रेशन के अंदर एक टर्म है, ये पूरा टर्म एक फंक्शन है, ये सम जो है ये फाइनली इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी, तो पूरा इंटीग्रेशन सिर्फ एक टर्म पे लगाओ इज सेम एज, ये इसके बराबर है, दिस इज सेम एज कैसा है, अब देखो टर्म बाय टर्म अलग कर देंगे हम इंटीग्रेशन, कैसे कर देंगे, समेशन एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन इंटीग्रेशन ऑफ जी जेड जेड माइनस जेड नॉट रेस पर एन। अब समझ में आया, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक बार लग रहा था, यहाँ पे कितनी बार लगेगा, जितने टर्म्स है उतनी बार लगता जाएगा, यहाँ पे एक बार लगा, अब देखो यहाँ पे कितनी बार लगेगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, इसके टर्म एक्सपेंड कर लेते हैं आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ए नॉट इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट रेस पर जीरो डी जेड प्लस ए वन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट रेस पर वन डी जेड। अब समझ में आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे टोटल का इंटीग्रेशन करो या अलग अलग टर्म वाइज इंटीग्रेशन करके फिर पूरा ऐड करो, सेम बात है, तो इसलिए हमारा इंटीग्रेशन का काम हमें दिख रहा है कि थोड़ा आसान हो गया, या तो टोटल का इंटीग्रेशन कर दो या टर्म बाय टर्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग है ना इसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा।
तो ये इंटीग्रेशन कहाँ पे कर सकते हैं, बस याद रखने की बात है कि इसे हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में ही कर सकते हैं ऐसा काम। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के बाहर इन्फिनिटी जाता है सम, वहाँ पे फिर हम ऐसी बात नहीं करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल किस लिए है, अभी तो आपने इंटीग्रेशन सीखा है ना। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिकली एंटी डेरिवेटिव जैसा काम करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन वर्क्स लाइक एंटी डेरिवेटिव, ऐसा जैसा काम होता है। तो आपको बता रहे हैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल से कि हम फंक्शन को एंटायर दिखा सकते हैं इस कंसेप्ट से। मैंने आपको कहा था ना, पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने क्या करना है, एनालिटिक प्रूफ करने के अलग अलग तरीके ढूंढने हैं। अब आपको याद होगा मैंने कितने वीडियो पहले कहा था, और हम उसके बाद कितने सारे और तरीके देख चुके हैं, कम से कम नहीं तो 7-8 या 6-7 तरीके तो पक्का देख लिए हमने एनालिटिक प्रूफ करने के। अब एनालिटिक दिखाने का एक और तरीका, तो 8th या 9th मेथड ऑफ फाइंडिंग और प्रूविंग एनालिटिसिटी। तो अगर हमें दिखाना है कि फंक्शन एनालिटिक है, तो एक और तरीका हम इस्तेमाल करें, वो है विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज। मैकलॉरिन सीरीज भी पावर सीरीज है, टेलर सीरीज भी पावर सीरीज है, लॉरेंस सीरीज भी पावर सीरीज है। तो पावर सीरीज की हेल्प से हमें इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। सही है, सब समझ में आ रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर पा रहे हैं आप? सूरज कह रहे हैं जी जेड वेरिएबल है ना, तो सीरीज के अंदर कैसे जाएगी, ये वाली बात आपने पूछी सूरज, बताते हैं आपको। ये देखो जरा एग्जाम्पल देते हैं सूरज आपको। अगर समेशन रन कर रहा है एन के ऊपर, ठीक है ना, तो एन वेरिएबल है, और मैं बोलूं कि एम टाइम्स एन, ये समेशन है, एम वेरिएबल नहीं है इसमें, तो इसका मतलब क्या है, देखो इट विल बी लाइक, इसके टर्म्स खोल के लिखो, ये आ जाएगा एम इंटू जीरो प्लस एम इंटू वन प्लस एम इंटू टू प्लस एम इंटू थ्री। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? ठीक है, आपको दिख रहा है हर टर्म में एम कॉमन आ रहा है, ले सकते हो। तो एम जीरो वन टू थ्री ऑन, ये क्या बन गया, एम टाइम्स समेशन एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन। आप समझ में आया, अगर समेशन एन वेरिएबल के ऊपर रन कर रहा है तो एम तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा ना, एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, तो एम बाहर आए या अंदर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एम भी वेरिएबल है पर समेशन के ऊपर नहीं वेरी कर रहा, समेशन पे सिर्फ एन वेरी कर रहा है। एम कोई वेरिएबल है पर वो अपनी मर्जी से हम चेंज कर सकते हैं, तो बेसिकली फंक्शन ऑफ एम बन गया। एम वेरिएबल है पर समेशन पे रन नहीं कर रहा, समझ रहे हो? ऐसी अब आप अब चलते हैं पावर सीरीज के कंसेप्ट पर। जी जेड कॉन्स्टेंट नहीं है यहाँ पे, एम कॉन्स्टेंट है क्या, नहीं, एम एक वेरिएबल है पर एक बारी में एक कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा क्योंकि समेशन में एम वेरी नहीं कर रहा। तो जब मैंने कहा कि जी जेड समेशन एन जीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड रेस पर एन है, तो बताओ समेशन यहाँ पे किस पे रन करें, एन पे, तो जी जेड तो एन पर डिपेंड नहीं कर रहा, जी जेड जेड का फंक्शन है, एन का फंक्शन नहीं है, इसमें वेरिएबल जेड है और सीरीज सिर्फ एन को चेंज कर रही है, ये सीरीज सिर्फ एन को वेरी करा रही है, एक बार एन की वैल्यू जीरो पुट करो, एक बार वन, एक बार ये, तो जी जेड पे तो कोई फर्क नहीं डाल रही। तो जी जेड कॉन्स्टेंट नहीं है, जेड के साथ वेरी कर रहा है पर एन के साथ नहीं कर रहा, इसलिए उसको अंदर लिखो बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ अब सूरज? यही बात कही थी ऊपर मैंने, क्लियर? तो ये वेरिएबल ये कांस्टेंट नहीं है पर सीरीज के लिए ये ऐसे कांस्टेंट की तरह आगे पीछे शिफ्ट होने का काम कर रहा है, कांस्टेंट तो नहीं है क्योंकि जेड तो वेरिएबल है ना। ओके बढ़िया, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये एंटायर है उसको दिखाने का एक और तरीका। एंटायर कैसे दिखाते हैं, अगर हम दिखा दें कि हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए। अब मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन का हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। अब जरा मुझे बताओ कि एक्सपोनेंशियल सेट की मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन क्या होती है, याद है सभी को क्या होती है, जरा आने दो फिर। तो एक्सपोनेंशियल जेड, वेयर जेड इज एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में से आ रहा है, उसको कैसे एक्सपेंशन में लिख सकते हैं हम समेशन। पहले तो हमें मालूम है कि मैक्लॉरिन लिखनी है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू द पावर एन, मैक्लॉरिन मतलब कि जेड नॉट को जीरो पुट कर दो, और एन की वैल्यू क्या है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन वाला टर्म, ये क्या होता है, एफ एन जेड नॉट अपॉन एन फैक्टोरियल। यहाँ तक ठीक है सर? तो इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हमने एक्सपोनेंशियल की एक निकाल ली थी वैल्यू, देखती अच्छी खासी दिखने वाली, तो क्या आ जाती है वो, बताओ बताओ। देखो अपनी वीडियो का एक ही रूल है, सबको मालूम है ना कि क्या करना होता है, वीडियो में अच्छे से पार्टिसिपेट, शांत नहीं रहना होता है, तो शांत ना रहें, अच्छे से पार्टिसिपेट करें।
एक्सपोनेंशियल जेड की कैसे आ जाएगी? मालूम है, याद है ना? तो समेशन जेड रेस पर एन अपॉन एन फैक्टोरियल ऐसी अपने पास आ जाती है, एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। इसका मतलब कैसा? जेड रेस पर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल प्लस जेड रेस पर वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ तक ठीक है सब? अब मैं आपसे बोलूँ कि जरा क्या करूँ, ये बताओ ये टर्म क्या आएगा? वन आ जाएगा ना। मैं बोल रही हूँ आरएचएस से उठा के एलएचएस पे ले आओ, तो ये एलएचएस है, ये अपना आरएचएस है, तो एक्सपोनेंशियल जेड माइनस वन मतलब आरएचएस में से वन माइनस कर दो, इसकी वैल्यू वन आएगी ना। जेड रेस पर जीरो इज वन, नीचे जीरो फैक्टोरियल इज वन, तो ये वाला टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा। क्या बच जाएगा? जेड रेस पर वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस जेड रेस पर टू अपॉन टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको कैसे लिख सकते हैं? सीरीज में बंद कर दो। तो ये एन स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? वन से इन्फिनिटी तक, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? ऐसे ही आ जाएगा जेड एन अपॉन एन फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? फर्क क्या आया? कुछ ज़्यादा फर्क आया? नहीं आया ना फर्क ज़्यादा, बस वैल्यू चेंज कर दिया और तो कुछ नहीं हुआ। सही तो है यहाँ तक सब? तो ई जेड माइनस वन को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जवाब नहीं आ रहे मेरे पास, आप लोग टाइप नहीं कर रहे हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपकी लाइव चैट। टेंशन, ऋषि ने आंसर दिया है, नुजत ने भी, ठीक है ठीक है। सही है सब? फॉलो कर पा रहे हैं यहाँ तक आप बात? अब अपने पास गिवन फंक्शन कैसा है? अपने पास गिवन फंक्शन है इस तरीके से। नहीं पुष्पा, पर ऐसा जल्दी होगा? फिलहाल नहीं है। तो अपने पास गिवन फंक्शन कैसा है इस तरीके का है, हमें एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है कि अगर जब जेड नॉन जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या है? एक्सपोनेंशियल जेड माइनस वन अपॉन जेड, और जब जब जेड की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो उसकी वैल्यू वन है। ये हमने कैसे निकाली कि इसकी वैल्यू वन आनी चाहिए? ज़रा लिमिट निकालना है, इसकी लिमिट निकालनी आती है आप लोग को? तो लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो निकालो, एक्सपोनेंशियल जेड माइनस वन अपॉन जेड। अगर हम ऊपर नीचे जीरो पुट कर देंगे तो ई रेस पर जेड इज जीरो, तो ये जीरो है ना, ई रेस पर जेड, ई रेस पर जीरो इज वन, वन माइनस वन इज जीरो, नीचे भी जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई, विच इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसलिए लिमिट कैसे निकालते हैं? ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करके डेरिवेटिव निकाल के। तो ये इसका डेरिवेटिव निकालो, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एक्सपोनेंशियल जेड का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल जेड माइनस वन, जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव वन। अब जीरो पुट करोगे तो लिमिट आ गई वन। तो हमने पहले से ही फंक्शन चालाकी से डिफाइन किया, इस तरीके से डिफाइन किया कि वो कॉन्टिन्यूस बन जाए, तो इसकी लिमिट आ गई वन। तो इस तरीके से अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं चेक करके बताओ जरा मुझे। वैसे हमने जैसे डिफाइन किया, कॉन्टिन्यूस बनने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है इसके पास, पर जल्दी चेक करके बताओ, ठीक है ना? तो आपको एफ जेड आपको दिखा दिया कैसा है, एक्सपोनेंशियल जेड माइनस वन अपॉन जेड एंड वन, दो वैल्यूज हैं। जब भी जेड कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऊपर वाली वैल्यू, अदरवाइज ये वाली वैल्यू। अब चेक करो एंड दसो कि एफ कॉन्टिन्यूस है नहीं, एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस, बताओ कैसे पता चली बात हमें? अब एफ जेड कॉन्टिन्यूस है कैसे पता चलेगा? कॉन्टिन्यूस कहाँ पे? पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, कह लें ऑन सी। अब जहाँ पे, यहाँ पे लिमिट डिवाइड नहीं हो रही बाकी सब जगह, तो हमें मालूम है कॉन्टिन्यूस जैसा काम करेगा। कॉन्टिन्यूस कैसे चेक करना होता है? लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट, एफ ऑफ जेड नॉट क्या आ जाए? एफ ऑफ जेड नॉट नहीं, एफ ऑफ जेड क्या आ जाए? एफ ऑफ जेड नॉट आ जाए फॉर ऑल जेड नॉट बिलोंग टू सी। तो ये बात सेटिस्फाई हो जाएगी सब जगह, पर जीरो पे चेक करना बाकी रह गया है ना। तो दिस होल्ड्स फॉर ऑल सी माइनस जीरो, वो तो हमें दिख रहा है। अब सी वाला पार्ट चेक करना बाकी रह गया है ना, तो सी वाला पार्ट जरा चेक कर लेते हैं। तो जीरो वाला पार्ट चेक कर लेते हैं, तो ये वाली बात तो ठीक है। अब जीरो पे चेक करते हैं, जीरो पे चेक करने के लिए हम कैसे दिखाते हैं? जेड टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो बन जाए, एफ ऑफ जेड बन जाए एफ ऑफ जीरो, ठीक है ना? तो लिमिट क्या आ जाएगी अपने पास? हमने लिखा वन, और फंक्शन में जीरो पुट करेंगे तो भी वैल्यू क्या आ रही है? वन। तो ये वाली बात होल्ड कर रही है, तो देयर फोर ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो फंक्शन हमने जिस तरीके से डिफाइन किया वो कॉन्टिन्यूस है ही, तो
गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो गिवन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, हमने इसकी एक्सपेंशन भी देखी, एक्सपोनेंशियल जेड माइनस वन की कुछ इस तरीके की एक्सपेंशन होती है, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं, जरा इसकी एक्सपेंशन बताना, एक्सपोनेंशियल जेड माइनस वन अपॉन जेड की एक्सपेंशन, ये क्या आ जाएगी बताओ? अब हमने पिछले कुछ दिनों में यही सीखा है कि एकदम से निकाल सकते हो, कैसे? इसकी निकाल ली तो दोनों साइड क्या कर दो, जेड से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा जेड रेस पर एन माइनस वन, है ना? बस एक एन कम हो गया, एक कम हो गई, एन फैक्टोरियल एन रेस पर 1 to ∞, समझ में आ गया ना? कैसे किया? इससे जेड डिवाइड कर दिया, बेसिकली ऐसा किया है, 1 से ∞ तक जा रहा है, जेड रेस पर एन, एन फैक्टोरियल एज इट इज चल रहा है, नीचे जेड डिवाइड कर दिया दोनों साइड, इस साइड भी जेड डिवाइड कर दिया और इस साइड भी कर दिया, तो ऐसा आ गया। तो एक्सपेंशन बन गई किसकी? एक्सपोनेंशियल जेड माइनस वन अपन जेड की, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जरा मुझे ये बताओ कि एक्सपोनेंशियल जेड माइनस वन, क्या ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? तो इसको कॉन्टिन्यूस कैसे प्रूव कर सकते हो? आप दोबारा से कर सकते हो सेम कंसेप्ट को इस्तेमाल करके, कि एफ ऑफ जेड की लिमिट क्या आ जाए, एफ ऑफ जेड नॉट आ जाए। दूसरा तरीका भी है, आपको ये कैसे सिखाया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल जेड जबरदस्त कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये पॉलीनॉमियल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम करने से कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही आता है, तो देयर फोर दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है? इसका जरा डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालना याद है आपको, कैसे निकालते थे हम? काली पूछ रहे हैं एल्यूमिनाई, मतलब एल्यूमिनाई का मतलब होता है कि, और सूरज ने आंसर दिया एल्यूमिनियम, अच्छा आंसर है, एल्यूमिनाई का मतलब होता है कि जो उस कॉलेज से पास आउट होके गए हो, और बस पास आउट होके गए हो और वहाँ के स्टूडेंट रहे हो, उसे एल्यूमिनाई कहते हैं। एंड हाँ, कहना था मैं एफ डैश जेड, एफ डैश जेड कैसे निकालते हैं याद है बताओ? ये भी एक लिमिट होती है, लिमिट जेड, तो अगर हमें एफ जेड निकालना है जेड नॉट पर, तो लिमिट जेड अप्रोचेस जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, याद है? ऐसे निकालते थे, किया है सब हमने काम बहुत अच्छे से, बिल्कुल फुर्सत से। तो जरा अगर हम एफ जेड को मान के चले एक्सपोनेंशियल जेड माइनस वन, तो इसे कैलकुलेट करो, तो एक्सपोनेंशियल जेड माइनस वन का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, तो वो क्या आ जाएगा? फिर से ये लिमिट कैलकुलेट करो, लिमिट जेड टेंड्स टू, और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं जीरो पे, है ना? तो एट जेड इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो। देखो कि कैसे दिखाई देगी, अभी अभी हमने ये लिमिट कैलकुलेट करी है, वैसे ही लिमिट ये दिखाई देने वाली है, कैसी आ जाएगी? ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल जेड माइनस वन, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो माइनस जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो। अभी लिमिट वही नहीं आ गई जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, ये आ गई लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एक्सपोनेंशियल जेड माइनस वन अपॉन जेड, और ये लिमिट क्या आ गई थी? एल हॉपिटल रूल से 1, है ना? तो ये लिमिट, यानी कि डेरिवेटिव कैसा आ गया? फाइनाइट, जब भी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ जाए, आराम से आ जाए, कोई दिक्कत ना करे, यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये वाला फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और क्या, और अपना ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और ये जीरो पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा, तो द फंक्शन हैज़ अ डेरिवेटिव, इट एग्जिस्ट एट जीरो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और बाकी सब जगह भी इसका डेरिवेटिव मिल रहा है और ये कॉन्टिन्यूस है, तो ये कैसा हो गया फंक्शन? एनालिटिक फंक्शन हो गया पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, क्योंकि डिफरेंशिएबल ऑन एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन इज एनालिटिक ऑन एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है? कोई दिक्कत? दूसरी बात, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर सीरीज, पावर सीरीज के डिफरेंशिएशन के बारे में क्या कहा जा सकता है? ओह शिट, 10 बज गए हैं, 10 बजे से दूसरी वीडियो है ना, तो इसको थोड़ा जल्दी वाइंड अप करते हैं, क्या क्या काम रह गया इसमें, इसमें थोड़ा काम बाकी है अभी, जल्दी करते हैं। डिफरेंशिएशन कैसा है? ये भी टर्म बाय टर्म हो जाता है, ठीक है ना? तो पावर सीरीज कैन बी डिफरेंशिएटेड टर्म बाय टर्म, दैट इज एट ईच पॉइंट जेड इंटीरियर टू द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दैट सीरीज, इस तरीके से। तो अगर अपने पास पावर सीरीज ये है, जानते हैं आप इसको, 10 बजे से दूसरी वीडियो लाइव है अपनी, है ना? पर उस वीडियो को 5-10 मिनट लेट स्टार्ट करते हैं, तो इसके बाद वाली वीडियो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक
तो ये पावर सीरीज है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर लो। तो एस डैश जेड का क्या मतलब है कि जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको। अब सीरीज की जो वैल्यू आएगी उसको पूरे को डिफरेंशिएट करो, या फिर क्या कर दो, समेशन के अंदर चले जाओ। अब समेशन किस पे रन करता है, एन पे। तो समेशन क्योंकि एन पे रन कर रहा है तो जेड उसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। ए एन में भी एन है, जेड नहीं है, तो उसको भी बाहर रख दो। तो सिर्फ 15 लाख टर्म डिफरेंशिएट करना बाकी रह गया। कौन सा, ये वाला, जेड माइनस जेड नॉट रेस टू द पावर एन। और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है। तो जेड एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन जेड एन माइनस वन। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए एन एन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू द पावर एन माइनस वन, और जेड माइनस जेड नॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन। तो फाइनली इस तरीके से दिखाई देगा जैसा इन्होंने कहा है, कोई दिक्कत। तो आपने देखा बेसिकली इंटीग्रेशन भी टर्म बाय टर्म हो जाता है और डिफरेंशिएशन भी टर्म बाय टर्म हो जाता है, दोनों बातों में कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो अगर मैंने आपसे कहा, क्या कहूँ मैं आपको, एग्जांपल देखो, यही वाली बात है अभी जो आपसे मैंने बोला था ना, वही बात है। मैंने आपके कहा कि 1/z की एक्सपेंशन आपको मालूम है, कल तो आप मेरे को 1/z की एक्सपेंशन ही बता दो, वही अच्छा पार्ट होगा। तो क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी हाथ बढ़ाना। तो 1/z कैन बी रिटन एज ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट, मालूम है ना आपको कैसे करना है, ठीक है। तो फिर 1/z की एक्सपेंशन बताओ, हमने ऑलरेडी कर रखा है काम, कल हमने करना सीखा है कैसे करते हैं। तो 1/z की तो आराम से बता सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उसके आगे का काम आज हमने सीखा है, तो वो आज के काम से देखेंगे। तो समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस पर n 1 माइनस जेड रेस पर n, समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 रेस पर n और जेड माइनस 1 रेस पर n, समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस पर n जेड माइनस 1 रेस पर n, एंड एक और पार्ट देते हैं, समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1 रेस टू द पावर n। और यहाँ पे अपने पास मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो बताओ कौन सा पार्ट इसमें सही है। बताओ जनता, कौन सा पार्ट सही है। अगर आपको याद हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हिंट है इसका, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमने जो सम निकाला था उसी लॉजिक से इसको निकालना है। तो हमने कहा था कि इनफिनाइट जीपी का जो सम होता है वैसे वाला हिंट है, उसी को यूज करना है। बताओ बताओ, मैं ही बताऊं या आप लोग बता रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर इज, मैं बताती हूँ, बी पार्ट और डी पार्ट सही है और ये लोग सही नहीं है। मुश्किल नहीं था ये बिल्कुल भी। देखो ऐसे करना है, जब मेरे प्रोग्रेशन है ना, जेड रेस पर एन हमने कल निकाला था, कैसे होता है, समेशन जेड रेस पर एन एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी क्या आ जाता है, 1/1 माइनस जेड व्हेन मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1। याद है ना, जब इनफिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टेलर सीरीज से भी निकाला था हमने, लॉरेंट सीरीज का भी इस्तेमाल करके इसमें बहुत सारा काम किया था, तो इसको बहुत जगह हमने यूज़ किया है। अब हमें पूछ रहे हैं 1/1 माइनस जेड की जगह 1/z की एक्सपेंशन बता दो।
है ना, यानी कि यहाँ पे हमें इसकी जगह 1/z पुट करना है। यानी कि यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, अगर 1 - z को आप z के इक्वल पुट करो, बेसिकली 1 - z को आप ओमेगा पुट करो, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - ओमेगा। और बेसिकली ओमेगा क्या था, ओमेगा ही z था बेसिकली, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - z। 1 - z रेज पर एन, एन गोइंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको ही लिखने का और तरीके हैं। 1 - z रेज पर एन है, इसको आप -1 कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बच जाएगा, z - 1। इसको रेज पर एन कर दो, एक ही बात है, कोई बदली तो नहीं बात, ये तो बस टेढ़े मेढ़े तरीके हैं इसको लिखने के। ऐसे लिख लो तो भी 1/z रहेगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो, -1 रेज पर एन अलग कर दो, z - 1 रेज पर एन अलग कर दो, समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो भी वही बात रहेगी। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत, तो इतनी सी बात है बस। देयरफॉर द आंसर्स दैट आर करेक्ट आर बी एंड डी पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, तो वही एग्जांपल। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये तो हमें मालूम है, ये तो हमने ऑलरेडी सीखा है पिछले कुछ वीडियोस में। अब इस वीडियो में अपने जो सीखने का स्कोप है वो है कि अगर इसकी हेल्प से हमें 1/z स्क्वायर का एक्सपेंशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आपको ये बोला था मैं अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, तो क्या करो, इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस एंटायर इक्वेशन दोनों तरफ से, 1/z को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वही बात है जो हमने की थी, -1/z2। राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करो, अब राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करना सिखाया था कि ये समेशन को एस्टेस रहने दो, और जहाँ पे भी एन आ रहा है उसको रहने दो, सिर्फ इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, z - 1 रेज पर एन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एन टाइम्स z - 1 रेज पर n-1। एज इट इज यही बात तो लिखी है यहाँ पे, ये लिखी है ना, एन टाइम्स z - 1 रेज पर n-1। ठीक है, अब सही है, तो अब ये आ गया -1/z2 का। अब दोनों साइड अगर हम -1 दोबारा से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/z2 का आ जाएगा। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए z2 का, पॉजिटिव में चाहिए, तो दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे एन जा रहा था 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे से भेज दो 0 से इन्फिनिटी, और साथ में इन्होंने यहाँ पे माइनस साइन इधर लेकर आ गए, तो फिर ये टर्म बैलेंस हो गया। समझ गए, इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम तरीके से आप 1/z3 की भी एक्सपेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, अच्छे से सब सही है। ठीक है, तो अभी अपनी अगली वीडियो का टाइम हो गया, तो आपके कोई डाउट्स है तो उनको सेव करके रखो, और कुछ और भी काम मैंने इस वीडियो में कराना था पर टाइम नहीं है, रोज़ एक्स्ट्रा टाइम होता है वीडियो के बाद, तो हम उसमें डिस्कशन कर लेते हैं। पर वी हैव अनदर वीडियो जिसमें बुक्स की बात हमने करनी है, तो उस वीडियो पर चलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एंड करते ही 1-2 मिनट में अगली वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसके अलावा इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन अभी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कब होगी, मंडे को, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट्स हैं सेव योर डाउट्स एंड वील कॉन्टिन्यू अर डिस्कशन ऑन मंडे। ठीक, तो चलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। श्रुति कितने दिन में ख़त्म होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाना चाहिए इस मंथ में। ऐसा है कि लीनियर और कॉम्प्लेक्स दोनों वाइंड अप हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, लीनियर शायद थोड़ा बच भी जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाना चाहिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सीखने को मिला हो तो लाइक करें, आपको लगता है किसी और को काम आ सकता है तो शेयर भी करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आगे वाली अपनी कोई वीडियोज अपन मिस ना करें। और आज की वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं, लेट्स टुगेदर ब्रैकेट, और फिर इस काम को हम लेके चलते हैं, कहाँ पे लेके चलते हैं, अगली वीडियो पे। तो एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, उसमें बातचीत होगी बहुत सारी, उसमें पढ़ना नहीं है, बहुत सारी बातें करनी है, उसमें चलते हैं। और आ जाओ सब लोग।